नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ महाशिवरात्रि के शुभ पर्व पर आपको बहुत सारी बधाइयाँ। मित्रों, हमारा देश, हमारा समाज और हम सभी भारतवासी या भारतीय उपमहाद्वीप में जो सनातन धर्म को मानते हैं, वे सब लोग शिव को महादेव मानते हैं या देवों के देव मानते हैं। महाशिवरात्रि उन्हीं में से उनके लिए समर्पित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें देश के अलग अलग भागों में या हम यूँ कह सकते हैं अलग अलग जगहों पर उनकी जो मंदिर है, उन मंदिरों का अलग अलग महत्व भी है और उस समय हम लोग पूजा अर्चना करने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो मित्रों, कुछ मंदिरों का मैं परिचय दे चुका हूँ इस चैनल के माध्यम से। उसी क्रम में मैं बिहटा में बिहटेश्वर नाथ मंदिर, जो शिव को समर्पित है। मित्रों, यह मंदिर पटना से करीब 40 किलोमीटर है और मुख्य मार्केट में स्थित है। बिहटा स्टेशन से भी वॉकिंग डिस्टेंस है और सचमुच में इस मंदिर का, बिहटेश्वर मंदिर का काफ़ी महत्व है, पौराणिक महत्व है। मान्यता के अनुसार महाभारत काल में महाराजा वानभट्ट के द्वारा इस मंदिर के शिवलिंग की स्थापना हुई है और समय के अनुसार यह मंदिर नदी के कटाव में विलुप्त हो गया था, लेकिन यह भी माना जाता है कि अथक प्रयास के बाद इस मंदिर को फिर खुदाई करके इसको प्राप्त किया गया और आज यह मंदिर एक आस्था का केंद्र है और पूरे वर्ष यहाँ पर भीड़ रहती है, श्रद्धालुओं की मेला की जैसा यहाँ पर स्थिति बनी रहती है, लेकिन विशेष अवसरों पर, उसमें भी महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष रूप से पूजा अर्चना होती है और बहुत भीड़ होती है और दूर दूर से श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। मित्रों नमस्कार, इस पावन पर्व पर सभी को बहुत सारी बधाई। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।